5 किलो राशन काट लिया जो मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। लाऊंगा जिसने ऐतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका पास। स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में, मैं हूँ आपके साथ अल्फराज शेख। देश में तिरंगे को लेकर लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम हो रहा है। दरअसल अब राशन की दुकान पर राशन तब मिलेगा जब 20 रुपए तिरंगे के देने होंगे, है ना गजब की बात। अब राष्ट्रभक्ति भी बेची जा रही है, यानी कि जो 15 अगस्त को अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा तो शायद नई परिभाषा में वही असली राष्ट्रभक्त होगा। दरअसल राशन की दुकान में 20 रुपए में झंडा खरीदने के लिए कार्ड धारकों को मजबूर किया जा रहा है। भक्ति को जबरन कई सरकारी संस्थानों में भी बेचने का मामला सामने आया था, साथ ही शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों और शिक्षकों को झंडे बेचे जा रहे हैं। इसमें निजी स्कूल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। राशन की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले राशन विक्रेता का लाइसेंस अब निलंबित कर दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर खुद भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भाजपा को घेरा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को यह तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उन्हें उनके हिस्से का राशन ये काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोदी सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई है। इस अभियान का बीजेपी शासित राज्यों में तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से भाजपा कार्यालयों पर भी तिरंगे को बेचा जा रहा था। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी, तो बोले झंडा ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा। जिसने ऐतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा अभी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा उनके लिए झंडा जरूरी है 20 रुपए का झंडा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कहा आपको राशन नहीं मिला झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा का गई, पूरे पीछे लेकर आए थे हम 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो राशन काट लिया जो मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए आप घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कह रहा चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से लोगों का गुस्सा इस वीडियो में नजर आ रहा है, भाजपा किस तरीके से तिरंगे की राजनीति करती नजर आ रही है, अपने कार्यालय में झंडा बेचती नजर आ रही है। तो लोग ये वीडियो तरह तरह की बनाकर भेज रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी स्कूल में एक मास्टर कहते नजर आ रहे हैं बच्चों से कि तिरंगे के लिए पैसे लेकर आइए, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने माँ बाप से पैसे लेकर आइए तिरंगे के नाम पर, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। सवाल एक पत्रकार रवीश कुमार ने भी कहा था कि इससे पहले उन्होंने लिखा था कि ये एक चाल है एक गुजरात में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आगामी जो गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं तो गुजरात के इलेक्शन में भाजपा को इसका फायदा हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि विकास के नाम पर तो कुछ करा नहीं है, लेकिन चुनाव में किन मुद्दों को लेकर
गुजरात जाएगी भाजपा सरकार तो उससे पहले उन्होंने रोजगार देने का एक काम किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या कुछ राय बन रही है, अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को खास तौर पर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।